हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोरल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है। ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इस बंदे ने तकरीर करते हुए बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, अभी अभी स्टेटमेंट आई है। अब आपके पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ और उनका एक वीडियो बयान है कि भारत तो हमारा जी एनिमी मुल्क है, दुश्मन देश है। जो आपने इलिटरेट जाहिल दसवीं भी पता नहीं पास है या नहीं है ज़का अशरफ, उसको आपने बनाया हुआ चेयरमैन अपना, और वो कह रहा है दुश्मन मुल्क में जब जाके खेलती है। बंदे के मुंह पे अपनी जबान पे कंट्रोल अगर ना हो ना तो ऐसे आदमी को किसी जगह में छुपा के रखे। जो मेहमान नवाजी है, खास तौर पर अगर आप देखें कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो हैदराबाद हो। मेरे साहब विराट की अगर आप देखें जितना शौक से वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, मेरे ख्याल से उस बाकी फॉर्मेट सब पीछे छोड़ देता है, और जो उसका फोकस होता है, जितनी एनर्जी होती है उसको, जो भूख है रन करने की, वो देख कमाल की है। और मैं समझता हूँ कि कई बाकी प्लेयर्स को, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैं ये समझता हूँ कि सीखना चाहिए। ये पीसीबी ने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया एज अ पाकिस्तानी। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। इससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती, मना कर देता कि ठीक है, खामोश बैठा रहता। जब वो देर में देते तो आप भी देर में जाते। प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स में ये आती है कि वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं अपने लिए, कि टीम में जगह बनाई, 50 किया, आउट हो गए, और जो जो है कंसंट्रेशन लूज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईसीसी वनडे विश्व कप का 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भारत पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी टीम लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंची है। हैदराबाद पहुंचने के बाद यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत से मिले प्यार से गदगद हो गई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इस सत्कार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। हालांकि इन सबके बीच पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ का एक बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ज़का अशरफ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हैं। इस वीडियो में ज़का अशरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में खिलाड़ियों को इतने पैसे कभी नहीं मिले जितना हमने इनको दिए हैं। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी भी जगह खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है तो उन्हें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। ज़का अशरफ ने इस बयान के बाद खलबली मच गई है। एक तरफ जहां भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर प्यार मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का मुखिया अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ये वही ज़का अशरफ है जिन्होंने विश्व कप के लिए भारत में अपनी टीम नहीं भेजने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और उन्हें अपनी टीम को भारत भेजना पड़ा। अब आपके पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ और उनका एक वीडियो बयान है कि भारत तो हमारा जी एनिमी मुल्क है, दुश्मन देश है। तो देखिए उस तरफ से भी बयान आया कि दुश्मन देश है, और हमारे किसी बीसीसीआई के चेयरमैन ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया हुआ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, तो ये एक मैं कहता हूं कि ये ना जो आपने कही कि खिड़की खुली होनी चाहिए, बातचीत का एक वो होना चाहिए, कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें नजर आनी चाहिए। आरजू जी, अगर कोशिशें हो रही है ना तो कोशिशें नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पीसीबी चेयरमैन एक तरफ कहें कि भारत हमारा दुश्मन देश है और फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, ऐसा नहीं हो सकता। या जो कोशिशें होती आई हैं, जब भी हाथ बढ़ाए गए हैं तब हमें नुकसान नहीं हुआ है। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए हो तो करगिल हो गया, मोदी जी उधर गए हो तो उरी और पठानकोट टाइप की चीजें हो गई, पुलवामा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। 20 फॉर्मेट आया, लीग आई, प्लेयर का जो है एक तो टेक्निक भी चेंज हुई और उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट स्पेशली जो था लॉन्गर फॉर्मेट था, वो उसमें इंटरेस्ट उनका खत्म होता हुआ जा रहा था। वेयर एज अब विराट की अगर आप देखें जितना शौक से वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, मेरे ख्याल से उस बाकी फॉर्मेट सब पीछे छोड़ देता है, और जो उसका फोकस होता है, जितनी एनर्जी होती है उसको, जो भूख है रन करने की, वो देख कमाल की है। और मैं समझता हूँ कि कई बाकी प्लेयर्स को, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैं ये समझता हूँ कि सीखना चाहिए। ये टेक्निकल चीजें तो होती होती हैं, मगर ये जो एक एटीट्यूड होता है,
टूवर्ड्स, क्योंकि देखिए T20 प्लेयर्स आप लोग भूल जाते हैं अली भाई, आप याद रखेंगे हफ्ता 10 दिन बाद भूल जाएंगे, मगर जो टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, जिन्होंने सीरीजें जिताई होती हैं, मैचेस जिता, वो अभी भी आपको फिंगर्स टिप पे वो याद होंगे। तो मैं ये कहते मैं समझता हूँ कि विराट कोहली में ऑब्वियसली एक टैलेंटेड स्किलफुल है, और उसकी तो मतलब दुनिया में उसका अभी इस टाइम मुकाबला कोई प्लेयर नहीं करता, और वो मुझे लगता है कि सारे जो ऑब्वियसली सचिन ने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ये एक वाइट प्लेयर नजर आ रहा है कि जो उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है लॉन्गर फॉर्मेट में, टेस्ट में, जिसकी वजह से वो अभी भी आप देखें जब उनको उससे कप्तानी ली गई, या जब उनसे परफॉर्मेंस उनका एक पैच आया था जिसमें दो ढाई साल उनसे वो रन नहीं या सेंचुरी नहीं हुई थी, आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस काफी उनके पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, मगर वो फोकस रहे और वो अपनी बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, इतने बड़े इवेंट से पहले फॉर्म में आए, और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली हमेशा मैंने देखा कि उन्होंने ख्वाब ऑस्ट्रेलिया में T20 वो वर्ल्ड कप था, वो जो आपने बात की श्रीलंका वाली वर्ल्ड कप की, उससे पीछे अगर आप चले जाएं जो एशिया कप हुआ था एक दफा, उन्होंने 150 रन चेज करते हुए बांग्लादेश में, और अभी भी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, तो वो उनकी यही कि उनमें वो जो भूख होती है, हंगर होती है रन करने की, वो अभी तक कम नहीं हुई। तो लेकिन अभी जो आपने बात की है कि पाकिस्तान के प्लेयर को विराट कोहली से सीखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड पे जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो ही अहमियत नहीं देंगे, जो सेलेक्टर्स हैं वही अगर अहमियत नहीं देंगे जब आपने सिलेक्शन T20 से करनी है, तो प्लेयर्स का तो कसूर नहीं है। देखिए मेरी गाय बगाए प्लेयर्स के साथ मुलाकात होती है ऑन द फील्ड, और ऑन द फील्ड उनसे मैं बात करता रहता हूं, तो वो मुझे यही फील, जो पाकिस्तान का जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, फोर डे क्रिकेट चल रहा है, तो आप प्लेयर नहीं है वो खेलने के लिए, क्योंकि जब उनको पता है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी T20 की परफॉर्मेंस से मिलने, पाकिस्तान में सिलेक्शन भी T20 से होनी है, तो क्या जरूरत है कि चार दिन आप दौड़ लगाएं, 20-25 ओवर आप एक दिन में करें, तो आप जब आपको आसानी से चीजें मिल रही हैं, तो आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि प्लेयर्स का कसूर नहीं, बल्कि पाकिस्तान फेयर पे लोग बैठे हैं उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड अभी अनाउंस भी किए हैं उसमें भी देखें लड़कों को 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि अगर एक प्लेयर साल में अगर परफॉर्मेंस नहीं करता तो क्या मतलब है उसको 3 साल का, आपके उसको तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ जहां जखा अशरफ की बयान के बारे में बात कर रही है, वही दूसरी तरफ विराट कोहली के बारे में भी बात कर रही है। दोस्तों जकर अशरफ की बात की जाए तो जैसा कि आपने देखा कि जकर अशरफ जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हैं, इससे शर्मनाक बयान उस टाइम पे नहीं हो सकता जब उनकी खुद की टीम जो है वो भारत पहुंची है और उनके जो प्लेयर हैं भारत की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ जहां जकर अशरफ की बातें तो हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर विराट कोहली की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तब विराट कोहली सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी किसी से डरे या ना डरे विराट कोहली से बहुत डरते हैं। और विराट कोहली की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो विराट कोहली का एक बहुत अच्छा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो फिर जो उनका रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली से डरते हैं। और पाकिस्तानियों को ये कहना रहता है कि अगर उन्होंने विराट कोहली को आउट कर लिया तो लगभग 30-40% जो मैच है वो ऐसे ही जीत गए, यानी कि इतना बड़ा जो परसेंटेज है वो पाकिस्तानियों को जो विराट कोहली है उसमें दिखता है। दोस्तों विराट कोहली ने वो करके भी दिखाया जिसकी वजह से पाकिस्तानी डरते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी जो मीडिया उसमें कहीं ना कहीं हलचल मची है, क्योंकि एशिया कप में हारने के बाद और वो भी बुरी तरीके से हारने के बाद अब जो पाकिस्तान की टीम है वो एक बार फिर से भारत में खेलने आई है और भारत के साथ खेलेगी, तो उससे पहले जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि क्या हमारे बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान में चल पाएंगे, या फिर जो हमारी बॉलिंग लाइन है क्या वो अच्छी है या नहीं।